नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज उत्तर प्रदेश में 7 IPS अफसरों के तबादले किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा लखनऊ और कानपुर के पुलिस कमिश्नर के हटाए जाने की है। वैसे तो अधिकारियों के जब ट्रांसफ़र होते हैं तो कोई ना कोई वजह तो बनती ही है, लेकिन जब किसी को वेटिंग में डाल दिया जाता है तो इसका मतलब है इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी। लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर और कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीणा दोनों वेटिंग में रखे गए हैं। DK ठाकुर पिछले 2.25 साल से लखनऊ पुलिस कमिश्नर थे। वैसे तो उनका कार्यकाल ठीक रहा, लेकिन हाल ही में लुलु माल में नमाज को लेकर हुए विवाद से सरकार की काफ़ी फजीहत हुई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को खुद सामने आना पड़ा था। DK ठाकुर के हटाए जाने के पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है कि माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को पकड़कर कोर्ट में पेश करने के मामले में लखनऊ पुलिस असफल साबित हुई थी। इसका खामियाजा लखनऊ पुलिस कमिश्नर को भुगतना पड़ा। पुराने पुलिस कमिश्नर के हटाए जाने के साथ ही नए पुलिस कमिश्नर SB सिडोरकर ने पदभार संभाल लिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि पदभार संभालने के बाद क्या कुछ कहा SB सिडोरकर ने। अच्छे लोगों की सुरक्षा करना और जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना, ये अगर मैं कहूँगा कि प्राथमिकता होगी लखनऊ कमिश्नरेट की और पूरी टीम की, तो ये अनुचित नहीं होगा। मैं केवल आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस समय इस शॉर्ट नोटिस में, इस इंट्रोडक्टरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग चूँकि यहाँ के पुराने हैं, आप लोगों को बहुत विस्तार से जानकारी होगी। मुझे कुछ समय चाहिए होगा इन चीज़ों को जानने के लिए, और जैसे ही समय बीतेगा आपसे मुलाकात भी होगी, बातें होंगी। इस समय किसी स्पेसिफिक बिंदु पे बात करने की बजाय मैं केवल यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। वैसे एक बात जरूर है, लखनऊ में मुहर्रम का समय नए पुलिस कमिश्नर के लिए खासा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान जिले के कई इलाके बेहद संवेदनशील रहते हैं। साथ ही सावन का महीना और 15 अगस्त की कानून व्यवस्था भी उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला। अब बात कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीणा की भी कर लेते हैं। नमाज के दौरान हुई हिंसा को लेकर वो लगातार निशाने पर थे। हिंसा के बाद आरोपियों की धरपकड़ और गिरफ्तारी को लेकर कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में आई थी। CM योगी इससे काफ़ी नाराज थे, तभी से विजय कुमार मीणा को हटाए जाने की चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि उनके हटाए जाने से बड़ी चर्चा वहां होने वाली नई तैनाती की है। पुलिस मुख्यालय में तैनात ADG BP जोगदंड को कानपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। जोगदंड पहले भी कानपुर में बतौर DIG तैनात रह चुके हैं। बसपा सरकार में अहम पदों पर रहे जोगदंड लंबे समय से हाशिए पर थे। कानपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनाती उनके लिए किसी सरप्राइज गिफ्ट से कम नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।